ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको शेरशाह सूरी के गढ़ शीशगढ़ जिला बरेली उत्तर प्रदेश में, जहां कारवाने फलाए अदब सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने 18 जून 2018 को ईद मिलन के मुबारक मौके पर एक अजीमुशान ऑल इंडिया मुशायरे एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे जनाब परवीण सिंह एरन, पूर्व सांसद बरेली। इस मुशायरे के सदर रहे शीशगढ़ के हर दिल अजीज लीडर जनाब जाहिद हुसैन उर्फ गुड्डू हाजी, जो पूर्व सपा प्रत्याशी 119 मीरगंज विधान सभा रहे। मुशायरे के कन्वीनर रहे शीशगढ़ के नौजवान उभरते हुए शायर जनाब आरिफ आजाद साहब। कारवाने फलाए अदब सोसाइटी के जिम्मेदारों के नाम इस तरह से हैं। अध्यक्ष हैं जनाब शकील बजाज साहब, उपाध्यक्ष हैं जनाब रियाज अहमद पेंटर साहब, कोषाध्यक्ष हैं जनाब मोहम्मद कासिफ टेलर साहब, सदस्यों में जनाब फजील इदरीसी साहब, जनाब मोहम्मद शादाब साहब, जनाब मोहम्मद अजरुद्दीन साहब, जनाब आरिफ इदरीसी साहब के नाम सरे फहरिस्त हैं। आइए मैं सीधे सीधे इस्लाम साहब से दरख्वास्त करता हूँ, मोहतरम शायर, बुजुर्ग शायर, और मैं आपसे सीधे सीधे इल्तमास करता हूँ कि आप माइक पे हैं। हज़रात सलाम अलैकुम। एक सियासी पार्टी हमारी बहन बेटियों को शरीयत के खिलाफ बरगलाने पे लगी हुई है, उनके रद्द में मैं अपनी बहन बेटियों को मशवरा देते हुए एक मतला पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। अर्ज़ करता हूँ कि हमदर्दियों के नाम पर बहनों मजाक है, हमदर्दियों के नाम पर बहनों मजाक है, चूल्हे पे फूंक देने से बेहतर तलाक है। हमदर्दियों के नाम पर बहनों मजाक है, चूल्हे पे फूंक देने से बेहतर तलाक है। तलाक के मुखालफों को मेरा ये पैगाम था। शेर हाजिर करता हूँ कि जुल्म की इस नई ईजाद से डर लगता है। खालिद भाई मुलाहिज़ा फरमाए जी जी, कि जुल्म की इस नई ईजाद से डर लगता है, जुल्म की इस नई ईजाद से डर लगता है, अपने घर अपनी ही औलाद से डर लगता है। जुल्म की इस नई ईजाद से डर लगता है, अपने घर अपनी ही औलाद से डर लगता है। एक मतलब और हाजिर करता हूँ कि बुलंदी पाते ही एहसान मंदी छोड़ देते हैं, बुलंदी पाते ही एहसान मंदी छोड़ देते हैं, वो जिस सीढ़ी से चढ़ते हैं वो सीढ़ी तोड़ देते हैं। वाह 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 वाह। बुलंदी पाते ही एहसान मंदी छोड़ देते हैं, वो जिस सीढ़ी से चढ़ते हैं वो सीढ़ी तोड़ देते हैं। वाह 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 वाह। नए जख्मों के खतरात से दो चार लिए फरमाए कि दिल नए जख्मों के खतरात से दो चार लिए, गुनगुनी धूप में बैठे हैं अखबार लिए। वाह 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 वाह। दिल नए जख्मों के खतरात से दो चार लिए, गुनगुनी धूप में बैठे हैं अखबार लिए, और काश आंगन में उठाते तो गिरा दी जाती, काश आंगन में उठाते तो गिरा दी जाती, भाई तो बैठ गए जैन में दीवार लिए। काश आंगन में उठाते तो गिरा दी जाती, भाई तो बैठ गए जहन में दीवार लिए। और अब अक्सरों बेशतर मुलाजा फरमाए जी 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 जी, अक्सरों बेशतर लोगों में जता देता है, अक्सरों बेशतर लोगों में जता देता है, हमने एहसान ही कमजर्फ के बेकार लिए। वाह वाह वाह। अक्सरों बेशतर लोगों में जता देता है,
ہم نے احسان ہی کم ظرف کے بے کال دیے. واہ 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 واہ. اور یہ غزل کے اور یاد جی یار بالکل بالکل پڑھیے پڑھیے. پیش کرتا ہوں کہ میری آرزوؤں کا بدحواس چہرہ ہے, میری آرزوؤں کا بدحواس چہرہ ہے, ہونٹ نیلے نیلے ہیں اور کپاس چہرہ ہے. میری آرزوؤں کا بدحواس چہرہ ہے, ہونٹ نیلے نیلے ہیں اور کپاس چہرہ ہے. اور شعر پیش کرتا ہوں کہ اس نے بھی ہواؤں کا سامنا کیا ہوگا, اس نے بھی ہواؤں کا سامنا کیا ہوگا, بکھرے بکھرے گیسو ہیں اور اداس چہرہ ہے. اس نے بھی ہواؤں کا سامنا کیا ہوگا, بکھرے بکھرے گیسو ہیں اور اداس چہرہ ہے. اور یہ شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں معین بھائی دیکھیں کہ سوچا ہے تلاوت میں زندگی گزر جائے, سوچا ہے تلاوت میں زندگی گزر جائے, میرے پاس آنکھیں ہیں تیرے پاس چہرہ ہے. سوچا ہے تلاوت میں زندگی گزر جائے, سوچا ہے تلاوت میں زندگی گزر جائے, میرے پاس آنکھیں ہیں تیرے پاس چہرہ ہے. اور اس کو بھول جانے کا مشورہ بجا لیکن, اس کو بھول جانے کا مشورہ بجا لیکن, کوئی اس کے چہرے سے آس پاس چہرہ ہے. بھول جانے کا مشورہ بجا لیکن, کوئی اس کے چہرے سے آس پاس چہرہ ہے. شکریہ جناب. بہت ہی خوبصورت اور مرصع کلام سے نواز رہے تھے جناب اسلام ایڈوکیٹ صاحب. آئیے اب ہماری. اگر آپ بھی اپنے مشاعرے, کوی سمیلن, دینی جلسے یا کسی کانفرنس کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم سے کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کیجیے اور اپنی ڈیٹ نوٹ کرائیے. جی ہاں, ہمارا موبائل نمبر ہے 9997640286. ایس ایم ایس کیجیے, واٹس ایپ کیجیے یا کال کیجیے. جی ہاں, یوٹیوب پہ ہمارا چینل جوائن کریں, لکھیے یوٹیوب پہ سرچ میں WAQT وقت MEDI میڈیا یا پھر www.youtube.com/c/وقت میڈیا لکھ کر بھی لاگ ان کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے.